जय मसीह की। एक वचन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और वचन है इज़रा 9:9। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन पारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके पाए। अभी देखो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा, तो उस वक्त इसराइल के लोग गुलाम बने हुए थे और फारस के राजा उनके ऊपर राज कर रहे थे। तो इसरा ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हम पर कृपा दृष्टि की और परमेश्वर ने फारस के राजा के जरिए हमारे ऊपर कृपा करवाई और फारस के राजा ने ऐसा कहा कि जाओ परमेश्वर के भवन को बनाओ और आप इज़रा 1:1 वहाँ से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उस वक्त जो कोरेश राजा था उस राजा को परमेश्वर ने बोला कि मेरे लोगों को भेज और वो मेरा भवन जो है वो बनाए। अभी देखो एक अन्य जाति लोग और परमेश्वर उनको कहते कि मेरे लोग जो गुलाम है उनके ऊपर कृपा करो, उनके ऊपर कृपा करो और जो भवन बनाना है उस भवन बनाने के लिए उनको भेजो। कितनी बड़ी बात है कि जब इंसान गुलाम बना हुआ है तो उसके मालिक के जरिए परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करवाते हैं। कितनी बड़ी बात है। फिर उत्पत्ति में भी लिखा है, उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और वहाँ पर यूसुफ जिसको मिस्र में बेच देते हैं और वो पोतीफार के घर में वो गुलाम बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय उसका 3-4 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। यहाँ पर लिखा है पोतीफार उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई। मतलब एक बार यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर का जन यूसुफ वो तो गुलाम बना हुआ था और परमेश्वर ने उसके मालिक से कृपा करवाई तो यूसुफ पर कृपा हुई। चलो आगे चलकर ऐसा हुआ कि पोतीफार की जो पत्नी थी उसने गलत इल्ज़ाम लगा दिया और यूसुफ को जेल में जाना पड़ा, लेकिन जेल में गए तब ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 21 वचन। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, बंदी ग्रुप के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। परमेश्वर ने दरोगा के जीवन में ऐसा काम किया कि दरोगा यूसुफ पर कृपा दृष्टि करने लगा और उसको वहाँ का हेड बना दिया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक बार फिर जो गुलाम थे जो जेल में कैदी बनकर आए थे उस यूसुफ के ऊपर कृपा करवाई। तो परमेश्वर इस तरह से अपने लोगों के ऊपर कृपा करवाते। जब दानियल वो गुलामी में गए हुए थे नबूकदनेस्सर की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं दानियल उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, परमेश्वर ने उसके मन में, उस खोजे के मन के अंदर, उस प्रधान के मन के अंदर कृपा भर दी दानियल के प्रति और उसने दानियल के ऊपर कृपा की। ऐसे बहुत सारे वचन हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कृपा करवाते, चाहे वो गुलाम है तो उसके मालिक भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। दानियल देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना बड़ा पद उनको मिल गया था। उनके 3 मित्र थे, हनन्याह मिशाएल अज़र, उनको देखो कितना बड़ा पद मिल गया। ये सारे वचन मैं इसलिए आज आपको कहता हूँ कि आने वाले दिनों में मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला है और वो 666666666 वो मुहर निकालेगा और जो कोई उसकी मुहर वो ना तो खरीद सकता है ना बेच सकता है, कोई लेन देन नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम विश्वासी लोग क्या करेंगे? डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर उन्हीं लोगों के मन में ऐसी बात डालेंगे कि हम पर अनुग्रह होगा और जो भी है आपके पास उसमें कभी भी कोई कमी कटी नहीं आएगी। हो सकता है वही लोग आपकी सहायता करें और ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से सारपत की विधवा का आटा
और उसका तेल कभी ख़त्म नहीं हुआ, उस तरह से आपके घर में जितना भी है वो कभी ख़त्म ही ना होने को। उस वक्त से डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ संभालेंगे और परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। बस आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए एंट्री टेस्ट से बिना डरे बस आगे बढ़ते रहो और परमेश्वर की मुहर में बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।